हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किसी की भी लोकेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं इस टाइम पे वो कहां पर है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। बिल्कुल ट्रैक कर सकते हो आप लोकेशन, और रियल मेथड बताऊंगा, कोई भी फेक वीडियो नहीं होने वाली है। अगर आपको फेक मिलता है कहीं पर तो वीडियो को डिसलाइक मार सकते हो। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो, चैनल को अनसब्सक्राइब करके डिसलाइक मार सकते हो वीडियो को। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप यहाँ पे गलती से वीडियो को स्किप कर लेते हो और कोई भी स्टेप आपसे मिस हो जाता है, तो सामने वाले को पता चल सकता है कि आपने उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है, और सामने वाले के पास आपके मोबाइल का डाटा भी चला जाएगा, जिस ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस यूज कर लेना है, यानी कि इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप फाइंड माई डिवाइस की ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, ये फ़िलहाल मोबाइल ढूंढने के लिए ऐप है, लेकिन इसके अंदर आपको तरीका बता सकता हूँ। इसकी मदद से आप किसी की भी लाइव है जो लोकेशन बिल्कुल चेक कर सकते हो कहाँ पर है इस टाइम वो। तो इसके लिए आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो वीडियो को स्किप मत करना कहीं पर भी। तो इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही इस ऐप को ओपन कर लेते हैं, इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो जो आपके मोबाइल में ये ईमेल है इसका यूज करना है, अगर आपने सामने वाले की लोकेशन को ट्रैक करना है तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू एज, यानी कि ये तो इस वाला दिखाएगा आपने क्या करना है। बैक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक एरो का निशान है जहाँ पे मेरा ईमेल लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे से आप है जो लोकेशन ट्रैक कर सकते हो किसी की भी, वो तरीका भी बताऊंगा। अगर आपने किसी भी फैमिली मेम्बर की आपने यहाँ पे लोकेशन ट्रैक करनी है, उसको देखना है कहाँ पे इस वक्त वो, तो आपने क्या करना है, उसका मोबाइल लेना आपको पहले, बिल्कुल ध्यान से सुनो, उसका मोबाइल पहले लेके जो उस मोबाइल के अंदर ईमेल आईडी है, वो अपने मोबाइल में ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लो। जिस भी मोबाइल की आपने लोकेशन निकालनी है, उस वाले मोबाइल की ईमेल आईडी आपने पहले से लॉगिन करके रख लेनी है। सिर्फ आपने एक बार लॉगिन करनी है, आपने उससे मोबाइल लेकर एक बार अपने मोबाइल में उस जीमेल को लॉगिन कर लेना है जो उसके मोबाइल में चल रहा है करंटली। तो जैसे ही आप उसके ईमेल आईडी को यहाँ पे अपने डिवाइस के अंदर अकाउंट के अंदर ऐड कर लेते हो, तो इस प्रकार से एरो के निशाने पे क्लिक करके आपको सारे के सारे ईमेल दिखाएगा जो आपके मोबाइल में हैं। यानी कि मान के चलिए ये मेरा फर्स्ट वाला ईमेल है, ये ले लेता हूँ मैं, और मान के चलो ये सामने वाले के डिवाइस में है ये वाला, और मैंने इसकी लोकेशन को ट्रैक करना है। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला यहाँ पे आ गया ईमेल इस प्रकार से। तो आपने कंटिन्यू एज काइन मास्टर, और आपने उसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड भी आपने लिख लेना है, जो उसकी आईडी का पासवर्ड है आपने लिख लेना है। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ये इस आईडी का पासवर्ड। आपने भी उसी प्रकार से उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने दोनों के दोनों यहाँ पर कॉपी में नोट करके रख लेने हैं। आप कभी कभी भी उसकी या जो चेक कर सकते हो लोकेशन। तो अभी कैसे करनी है इसके ऊपर मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लिया इस वाली आईडी का, तो इसके अंदर मैं साइन इन कर देता हूँ। तो साइन इन करने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ दे देता हूँ मैं इसको परमिशन। तो अभी देख सकते हैं आप दोनों डिवाइस दिखा रखा है, ये दोनों के दोनों मेरे डिवाइस है, यानी कि आप देख सकते हैं वीवो Z1 Pro में अभी ये है, और देख सकते हैं आप इसकी लोकेशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैप के अंदर बिल्कुल लाइव लोकेशन दिखाने वाला है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइव लोकेशन दिखा रहा है। और आप फ़ोन के अंदर बैटरी चेक कर सकते हो, सिम भी यहाँ पे डिटेल दिखा रखी है। तो इस प्रकार से आप इस मेथड को यूज करके किसी की भी लाइव लोकेशन को निकाल सकते हो। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर की यहाँ पर लाइव लोकेशन निकालना चाहते हो तो यहाँ पर ये तरीका जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी बाहर के बंदे की यहाँ पे लोकेशन ट्रैक करोगे तो आपके लिए महंगा भी साबित हो सकता है।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लाइव लोकेशन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप उसका ईमेल आईडी अपने मोबाइल में रख लेना पहले, और उसका पासवर्ड भी आपने कहीं पे नोट करके रख लेना है। तो जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे इस प्रकार से, तो आपको वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखाएगा। ये देख लीजिए, बिल्कुल लाइव लोकेशन दिखा रखी है। मैं इस वक्त यहीं पर बैठा हुआ हूँ और ये मेरी लाइव लोकेशन है। तो यही है जो रियल वे है बिल्कुल लाइव लोकेशन देखने का, कोई भी और मेथड नहीं है। इस प्रकार से आप लाइव लोकेशन देख सकते हो किसी के भी मोबाइल की। अगर आपको किसी फ्रेंड की लाइव लोकेशन देखनी है, वो कहाँ पे जाता है इस वक्त कहाँ पे है, तो आपने उसकी ईमेल आईडी को अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन करके रख लेना है, और उसका पासवर्ड भी आपने नोट करके रख लेना है। तो जैसे ही आप इसके अंदर चेक करोगे, अगर आप एक बार इसके अंदर पासवर्ड डाल देते हो, तो अब यहाँ पे इसको लॉग आउट करने का नहीं है, बिल्कुल भी लॉग आउट नहीं करना है। जैसे ही मैं इस मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाऊँगा, तो ये लोकेशन वहीं की दिखाएगा। या तो आपने इसके अंदर एक बार यहाँ पे लॉगिन करके रख लेनी है ऐसे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, और यहाँ पे वो सामने वाले का जीमेल यहाँ पे आपने ऐड करके, और इस एप्लीकेशन के अंदर इस प्रकार से आ जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के दोनों डिवाइस यहीं पे दिखा रखे हैं। एक ही डिवाइस में दोनों जीमेल हैं। ये वीवो Z1 प्रो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरी लाइव लोकेशन दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लाइव लोकेशन निकाल सकते हैं किसी की भी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने बताया सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, इस तरह की वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।